लेकर बड़े फैसले पर आज ये लगातार कवरेज जारी है। मैं हूँ आपके साथ दीपाली। तो अयोध्या पर बड़े फैसले का दिन है आज, और ऐसे में अयोध्या में क्या है सुरक्षा के इंतजाम? एडीजी आशुतोष पांडे से बात की है हमारी मैनेजिंग एडिटर शीतल राजपूत ने। सबसे बड़े फैसले के लिए अयोध्या चाक चौबंद है, पूरी तरह से तैयार है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडीजी आशुतोष पांडे। उनसे जानते हैं सुरक्षा की क्या क्या तैयारियां हैं। एडीजी पांडे, थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा, सबसे बड़ा फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। कल रात को फ्लैग मार्च भी हुआ, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए किस तरह की। इसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, हमारे डीजीपी सर और चीफ सेक्रेटरी सर, एसीएस होम सर वहाँ थे, उनके निर्देशन में हम लोगों ने 60 कंपनीज पीएससी आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया है। करीब 1200 हमारे कांस्टेबल्स तैनात हैं, 250 हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, और करीब 20 डिप्टी एसपीज यहाँ तैनात हैं। हम लोगों ने बैरिकेडिंग्स और भीड़ ज़्यादा हो तो उसके लिए होल्डिंग एरियाज, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ज़्यादा संख्या में बसें आएंगी तो उसके लिए भी पार्किंग एरियाज हम लोगों ने अच्छे से डेवलप और प्लान किया है और फंक्शनल है, ताकि जो लोग आएँ, जो श्रद्धालु आएँ, आप देख रहे होंगे पंचकोसी परिक्रमा में करीब 30 से 40 किलोमीटर की परिक्रमा नंगे पांव लोगों ने किया है, इतने श्रद्धालु हैं, और ये लोग मंदिरों में जाते हैं, हनुमानगढ़ी जी में और श्री रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं, तो किसी तरह कोई समस्या इनको नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। मार्केट्स खुले हुए हैं, जो लोग महिलाएं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं सरयू नदी में स्नान करके और नागेश्वरनाथ में जल चढ़ा करके फिर इधर हनुमानगढ़ी और श्री रामलला जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं, कोई आवाजाही पर रोक नहीं है। लोग आएँ, जो श्रद्धालु हैं आएँ, दर्शन करें और जाएँ। एडीजी पांडे, हम देख रहे हैं कि आम लोग, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, आम लोग रोज़मर्रा का अपना कार्य कर रहे हैं। मैं कहूंगी कैमरामैन से कि वो आसपास दिखाएं कैसे लोग अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। ये अयोध्या शहर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी ही दूरी में रामलला है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, और जो सुबह की दिनचर्या होती है उसमें सब लोग यहाँ पर, मतलब जो आम अयोध्या वासी है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है जैसे कोई सामान्य दिन हो, और इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को, सुरक्षा बलों को पूरी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस तरह के इंतज़ाम किए कि आम दिनचर्या प्रभावित ना हो, शांति का माहौल बना रहे। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति हैं, मतलब अयोध्या के बाहर के जो लोग हैं, उनके आने पे, उनकी एंट्री पे मनाही है, वो नहीं आ सकते आज, लेकिन अयोध्या वासी आराम से अपना कार्य कर। नहीं, अयोध्या के बाहर वाले लोग हैं, इनको भी कोई मनाही नहीं है, और यहाँ पर जो रामलला जी का दर्शन करने लोग आते हैं उसमें से 80% लोग, 70-80% लोग बाहर के ही रहते हैं, तो बाहर के लोग को मैंने आमंत्रित हैं और आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं, किसी की, किसी भी व्यक्ति की कहीं से कोई मनाही नहीं है, आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। अब पर हम देख रहे थे वहाँ सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगे हैं, जो बाकायदा चेकिंग के बाद ये निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं। वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी, वो बैरिकेडिंग्स हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर तक नहीं चली आएँ, और गाड़ियाँ अंदर तक आएंगी तो जो श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में यहाँ जो घूम रहे हैं इनको परेशानी होगी, उसके लिए है। अदरवाइज़ कोई भी आदमी आए, जैसे लोग आ ही जा रहे हैं, इनमें से कौन बोल सकता है कौन लोकल है कौन बाहर है, इसलिए किसी को वाकई काबिले तारीफ है कि शांति, हम लोग कल से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और देख रहे हैं कि पूरी तरह से शांत माहौल है, सभी पक्ष जो हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, सभी पक्षकार शांति की अपील कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त अलर्ट है, होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला, देश का सबसे बड़ा मामला बस थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा इसका फैसला, लेकिन निर्णय कोई भी हो शांति बनाए रखनी है, सौहार्द, सद्भाव, आपसी भाईचारा बनाए रखना है, जो हमारे देश की संस्कृति है। आखिर में एडीजी पांडे, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर है, उसकी कुछ तैनाती के बारे में, फैसले के तुरंत बाद के लिए क्या तैयारी है? अभी तो फैसले के पहले का वक्त नहीं, हम लोग की तैनाती जो रहती है, जो फोर्स डिप्लॉयमेंट रहता है, पूरे चीज़ को देखते हुए और वर्स्ट सिचुएशन को देखते हुए हम लोग तैनात करते हैं, तो जो हमारी फोर्स डिप्लॉयड है पूरी तरह से ब्रीफ्ड है और हर तरह की सिचुएशन से हम निपटने के लिए हम तैयार हैं, और लोगों से यही अपील है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम लोग सभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये, और पब्लिक प्लेस पर किसी तरह की हम प्रतिक्रिया जारी नहीं करेंगे।
यही अपील लोगों से है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एडीजी आशुतोष पांडे जिनसे हम बात कर रहे थे, वो जो बता रहे थे कि सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था है, लोग अयोध्या के आम दिनचर्या अपनी बिल्कुल उसी तरह निभा रहे जैसा हर रोज होता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मैं सुमित से कहूँगी कैमरामैन से कि कैमरा घुमा के दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये इस वक्त की अयोध्या की तस्वीर है फैसले से थोड़ी देर पहले की, जहाँ आप देख सकते हैं दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैरिकेडिंग जरूर की गई है, चेकिंग जो है वो काफ़ी टाइट है क्योंकि होनी भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मामला है जिसका फैसला आने वाला है, लेकिन फिर भी लोग ये बाहर से आए हुए श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं जी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो जाएं और आराम से यहाँ से निकल पाएं। आप देख सकते हैं महिलाएं आई हैं यहाँ पर, परिक्रमा चल रही थी और उसके चलते पूरे इंतज़ाम व्यापक किए गए थे और आज भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं उनकी भी तैनाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सजग है, तैयार है और सबसे यही अपील की जा रही है और सबसे यही अपील है कि शांति, सद्भाव, सौहार्द बनाए रखें। इस सबसे बड़े फैसले पर देश में अमन और भाईचारा बना रहना चाहिए। कैमरामैन सुमित के साथ शीतल राजपूत, अयोध्या, जनतंत्र टीवी।